टी20 के इतिहास की सबसे बड़ी हार के बाद साउथ अफ्रीकन दिग्गज खिलाड़ी अब सदमे में। बदला तो छोड़ो, अब घर पर भी इज्जत नहीं, पीटा कम जलील ज्यादा किया। जी बात हो रही है भारत बनाम साउथ अफ्रीका चार मैचों की टी20 सीरीज की। ये सीरीज इसलिए बहुत जरूरी थी क्योंकि साउथ अफ्रीका फाइनल में टी20 वर्ल्ड कप में भारत के हाथों हारा था, जिसके बाद इस सीरीज को वो भारत से बदला लेना चाहते थे क्योंकि भारत साउथ अफ्रीका में चार मैचों की टी20 सीरीज खेलने जा रही थी। भारत की युवा ब्रिगेड टीम जिसे हर हालात में साउथ अफ्रीका घसीटना चाहती थी, लेकिन साउथ अफ्रीका को पता नहीं कि ये भारत के शेर है, ये आपको ऐसे ही हत्थे नहीं चढ़ने वाले हैं। टी20 फॉर्मेट में भारत ने न केवल पहला टी20 मुकाबला जीता बल्कि दूसरे मुकाबले में रोमांचकता पैदा करी। तीसरा और चौथा मुकाबला तो एक तरफा जीतकर साउथ अफ्रीका को सदमा दे दिया है। साउथ अफ्रीका को चौथे टी20 मुकाबले में इतिहास की टी20 फॉर्मेट में सबसे बड़ी हार मिली है। भारत ने बहुत से कीर्तिमान और रिकॉर्ड बनाए। फॉर एग्जांपल, विदेश में भारत की ये सबसे बड़ा स्कोर था जो भारत ने इस मुकाबले में क्रिएट किया। वनडे का मानो स्कोर खड़ा कर दिया हो भारत ने। इनफैक्ट वनडे में भी ऐसा टीमें नहीं कर पाती है। ये बहुत बड़ा स्कोर था भारत की तरफ से विदेश में। और अगर आप बात करेंगे पार्टनरशिप की, तो भारत की टी20 फॉर्मेट में इतिहास की सबसे बड़ी पार्टनरशिप विदेश। साउथ अफ्रीका को टी20 फॉर्मेट में रनों के हिसाब से ये सबसे बड़ी हार मिली है। 283 रन भारत ने बनाए और बहुत से कीर्तिमान रचे। इसी को देखकर अब साउथ अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ी अपनी टीम को जमकर फटकार लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप तो बदला लेने की बात कर रहे थे, आप तो घर पर हार गए, हमारी घर पर भी इज्जत नहीं रही। आइए आपको बताते हैं तमाम दिग्गज खिलाड़ी क्या कह रहे हैं। लेकिन अगर आप भी हैं टीम इंडिया की जीत से खुश, तो इसी खुशी में सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। जी हाँ, अगर आप खुश हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपका क्या जाएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस सीरीज में आप सबसे बड़ा खोज क्या मानते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता सकते हैं। वेल, अगर आप इस मुकाबले की बात करोगे तो 283 रन भारत ने बनाए थे और जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका मैच 148 रन पर 10 विकेट गवा देती है, पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाती और 135 रन से इस मुकाबले को हार जाती है, जो टी20 फॉर्मेट में उनकी सबसे बड़ी हार है। इसी को लेकर तो साउथ अफ्रीका के कप्तान का पहले रिएक्शन आया, उसके बाद उनके तमाम दिग्गजों का आया। कप्तान एडम मार्करम ने क्या कहा, चलिए आइए सबसे पहले तो आपको यही बताते हैं। भारत के खिलाफ 1-3 से सीरीज गंवाने के बाद एडम मार्करम ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा, ईमानदारी से कहूं तो काफी कठिन है, खेल के तीनों पहलुओं में पूरी तरह मात खाई है, उन्हें श्रेय देना होगा, बल्ले और गेंद से उन्होंने हमें दबाव में डाल दिया था और हमारे लिए वापसी करना मुश्किल हो गया था। कुछ अच्छे ईमानदार चिंतन करने की जरूरत हमारी टीम में है। संजू सैमसन और तिलक वर्मा को आउट करने में जब अफ्रीकी गेंदबाजों को सफलता नहीं मिली तो वो वाइड लेंथ पर गेंद रखने की कोशिश कर रहे थे। इसी को लेकर मार्करम ने कहा, आजकल आप सिर्फ स्टंप नहीं मार सकते, आपको वाइड लाइन पर भी गेंदबाजी करनी होगी और कुछ योजनाएं बनानी होगी। एक या दो हम चूक सकते थे, लेकिन यह टीम के विकास का हिस्सा है। शायद 15 वाइड नहीं, सिर्फ 2 या 3, और लंबे समय में जब हम 2026 की तैयारी में लगे हैं तो हमें उम्मीद है कि हम इसे सही कर लेंगे। एडम मार्करम ने आगे कहा, एक टीम के रूप में हमारे पास एक अच्छा रिफ्लेक्शन होगा, एक सफेद गेंद वाली टीम के रूप में हमारे पास कुछ समय है। यह प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर है कि वे कहां जाना चाहते हैं और कहां निवेश करना चाहते हैं। मार्करम ने सीरीज के सकारात्मक पहलुओं पर भी चर्चा करी, लेकिन उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम ने यह दिखाया है कि फाइनल वो ऐसे ही नहीं जीते हैं। यह एडम मार्करम ने स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि उनका हर एक खिलाड़ी मानो पूरी टीम के बराबर है, कभी कोई चल जाता है, कभी संजू पीट देता है तो कभी सूर्या, तो कभी तिलक खिलाड़ी भी। हाँ, अच्छा हुआ हार्दिक और रिंकू फॉर्म में नहीं है, वरना क्या अंजाम होता पता नहीं, ये एडम मार्करम मानो कहना चाहते हैं। वेल, अब आइए बताते हैं साउथ अफ्रीका के बाकी दिग्गज क्या कह रहे हैं। साउथ अफ्रीका के दिग्गज डेल स्टैन ने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा, दोज आर टू ग्रेट नॉक्स, मतलब तिलक वर्मा और संजू सैमसन, इन दोनों के लिए इन्होंने क्लैपिंग करी और कहा है कि ये जो नॉक है ना, ये वो ग्रेट नॉक थी। जिसे देखकर ये साउथ अफ्रीका का दिग्गज खिलाड़ी अपनी टीम के लिए तालियां नहीं बजा रहा, बल्कि ये बजा रहा है भारत के इन दो सूरवीरों के लिए तालियां। ये इन्होंने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया। इसको लेकर एबी डी विलियर्स ने भी कुछ बड़ी बात कही है। एबी डी विलियर्स का स्टेटमेंट भी जानेंगे और इसके बाद हम जानेंगे कि तिलक वर्मा, संजू सैमसन और हाँ सूर्य कुमार यादव ने साउथ अफ्रीका को हराने के बाद क्या कहा। उनके रिएक्शंस भी देखने लायक हैं। पूरा वीडियो देखिएगा। एबी डी विलियर्स ने कहा, गॉट अप्रिसिएशन द स्किल डिस्प्लेड एट द
वेंडरस टुनाइट इनक्रेडिबल शॉट मेकिंग बाय द इंडियन बैटर्स। उन्होंने कहा ये इनक्रेडिबल इंडियन बैटिंग थी जिसको डिस्क्राइब करना अनबिलीवेबल है। किस तरह से इन्होंने अपने स्किल को डिस्प्ले किया है, अप्रिसिएशन तो बनता है। ऑब्वियसली एन अफील बैटल फॉर द प्रोटियाज फ्रॉम हीरो ऑन इन बट नेवर काउंट देम आउट। मतलब दूसरी टीम को उन्होंने उस गेम में आने ही नहीं दिया। एबी डिविलियर्स ने साफ तौर पर तारीफ करी। इन्होंने संजू सैमसन को लेकर कहा कि संजू सैमसन एक ऐसा खिलाड़ी जिसे मैं मानता हूं कि न केवल T20 फॉर्मेट बल्कि वनडे फॉर्मेट में भी खेलना चाहिए। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी खोज है, एबी डिविलियर्स ने कहा। उन्होंने कहा तिलक वर्मा ने क्या पारी खेली वाकई में काबिले तारीफ है। ये दिखाता है कि भारतीय क्रिकेट टीम के पास सूरवीरों की कोई कमी नहीं है। ये दिखाता है कि ये आईपीएल से आए हुए खिलाड़ी बहुत धमाकेदार हैं। और न केवल एबी डिविलियर्स बल्कि युवराज सिंह ने भी देखो एक बड़ा ट्वीट किया। युवराज सिंह ने लिखा, सिंह इज किंग, अर्शदीप सिंह ग्रेट लाइन एंड लेंथ, अमेजिंग स्टार्ट बाई बोथ सीम्स बॉलर हार्दिक पांड्या। उन्होंने भी शानदार गेंदबाजी करी। इससे पहले उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, वी आर गोइंग टू सी 300 इन T20 गेम टूडे। क्या हम आज के इस मुकाबले में 300 देखने वाले हैं? उसके लिए तो खैर 18 रन कम पड़ गए थे। वेल इन्होंने लिखा, अनबिलीवेबल हिटिंग बाई द संजू सैमसन एंड तिलक वर्मा, हैव बिग स्लाइट लकी बट एक्सिक्यूजन एंड हेड पोजिशन इज रियली गुड। इनका मतलब हालांकि ये थोड़े से लकी साबित तो हुए हैं आज के इस मुकाबले में, लेकिन एग्जीक्यूशन एंड हेड पोजीशन इनके लिए बहुत शानदार रही है। और वसीम जाफर ने भी ट्वीट करते हुए कुछ इस तरह से कहा, माइकल वॉन ने तो यहां तक कह दिया कि फेयर टू से द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंडियन व्हाइट बॉल बैटर्स लुक रेडी। मतलब इंडिया की अगली जनरेशन रेडी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोहम्मद कैफ लिखते हैं, टीम इंडियाज फ्यूचर इन द सेफ हैंड्स, 23-6 इन द गेम बाय मैन इन ब्लू। मतलब एक मैच में 23 छक्के, ये T20 क्रिकेट इतिहास में सर्वाधिक है। एक मैच में ये मैन इन ब्लू के द्वारा कमाल की हिटिंग दिखाई है, बहुत शानदार। अब बताते हैं सूर्य कुमार यादव ने क्या कहा। सूर्य कुमार यादव ने मैच के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बहुत सारी बातें करी। उन्होंने कहा कि मेरे लिए इन तीनों में से किसी एक के प्रदर्शन को चुनना बेहद मुश्किल है। उन्होंने बल्लेबाजी का अद्भुत कौशल दिखाया जिसके बारे में हमने बात की थी, वास्तव में उन्होंने उस पर हमल किया है। यही नहीं, कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने वांडरर्स स्टेडियम पिच पर भी अपनी राय रखी। मैच के बाद उन्होंने कहा, पिछले साल जब हमने यहां का दौरा किया तब हमें इस बात की जानकारी थी कि शाम को तापमान गिरने के बाद इस पिच में कुछ खास है। हमने बस उसी चीज का पालन किया है और अपनी लाइन पर चिपके रहे हैं। नतीजा हमारे सामने है। कोचिंग स्टाफ के बारे में सूर्या ने कहा कि वे पहले दिन से ही बैठकर मैच के शो का आनंद ले रहे हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने लड़कों को छूट दे रखी है और आपको मैदान में जो करना है करो, हम उसका लुत्फ उठाएंगे। आज के मुकाबले में भी पूर्व में उन्होंने यही बात कही, अगर आपको पहले बल्लेबाजी करनी है और बोर्ड पर रन लगाना चाहते हैं तो जाओ और करो। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली ऐतिहासिक जीत के बाद सूर्य कुमार यादव खुश नजर आए। मैच के बाद उन्होंने कहा, किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में जीत हासिल करना टीम को मनोबल बढ़ाता है और हमें जहां से जीत 2020 वर्ल्ड कप साथ में मिली वहां पर बहुत कुछ खास है। हमारे दिमाग में जीत के समय क्या चलता है ये बताना बेहद मुश्किल है। दक्षिण अफ्रीका का दौरा करना, उनकी जमी पर जीत हासिल करना चुनौतीपूर्ण है। ये विशेष जीतें हमेशा हमारे दिल में रहेगी। और अब बताते हैं कि तिलक वर्मा ने, जी हाँ, मतलब साउथ अफ्रीका की ऐसी धुलाई करने के बाद अपने स्टेटमेंट में क्या कहा। तिलक वर्मा प्लेयर ऑफ द मैच रहे और प्लेयर ऑफ द मैच ही नहीं बल्कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे हैं। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी, लगातार 2 शतक लगाए हैं। इसको लेकर तिलक ने कहा, लगातार 2 शतक यह एक अविश्वसनीय एहसास है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं 2 शतक बनाऊंगा, वो भी साउथ अफ्रीका में। मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता हूं। मैं भगवान और अपने कप्तान सूर्य कुमार यादव को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं पिछले कुछ महीनों से चोटिल था और अपने प्रोसेस पर विश्वास कर रहा था। जब मैंने अपना शतक बनाया तो मैंने बस भगवान की ओर इशारा किया और उन्हें धन्यवाद किया, और ये मेरे लिए बहुत खास है, ये कहा है तिलक वर्मा ने।